तरुण जी एक सवाल था मेरे मन में, अगर आपकी इजाजत है तो पूछ लूं, थोड़े खट्टे मीठे सवाल मैं करता रहता हूं। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए आप। अच्छा, हिसार शहर के विधायक हैं कमल गुप्ता जी, उनकी फोटो यहां पे मेरे को नजर नहीं आई, क्या वजह रही? बीजेपी में फूट पड़ गई या फिर भूल गए आप? का फोटो वो ना किस एक टेक्निकल मिस्टेक रह गई थी। टेक्निकल मिस्टेक कमल गुप्ता जी के साथ में हुई, भूपेंद्र जी हैं उनकी फोटो लगी हुई है, मेयर गौतम सरदाना जी है उनकी लगी हुई है, और इवन कुलदीप बिश्नोई जी की फोटो लगी हुई है सर। ये टेक्निकल मिस्टेक उनके साथ में नहीं हुई, गुप्ता साहब के साथ में हुई। बीजेपी में फूट पड़ चुकी है। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते थे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल दे, इनको भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा एविडेंस है मेरे पास में जिससे साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी फूट पड़ चुकी है। देखिए, फूट तो फूट होती है, चाहे बड़े लेवल के ऊपर हो चाहे छोटे लेवल के ऊपर हो, लेकिन हिसार शहर के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा और भारी भरकम एक बोर्ड दिखेगा जिसके ऊपर लिख रखा है, आप सभी शहरवासियों को नव वर्ष 2023 लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, तरुण जैन, जिला कोषाध्यक्ष, भाजपा हिसार। फूट पड़ चुकी है। आप कहेंगे कैसे, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बारीकी से बताइए। बारीकी से भी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी सही, समझाऊंगा भी सही, लेकिन कुछ चीजें बिना बताए भी समझने की होती हैं। आज वो चीजें समझने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि हरियाणा के हिसार जिले से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, और हिसार जिले के विधायक हैं, और विधायक के साथ साथ में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं जिनका नाम है डॉक्टर कमल गुप्ता जी। मैंने जब ये पोस्टर देखा तो उनकी तस्वीर यहाँ से मुझको गायब मिली। एक तरफ प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, उधर आप देख पा रहे हैं ये जिला अध्यक्ष हैं हिसार शहर के भूपेंद्र जी, और इधर गौतम सरदाना जी। क्या बात है, एक नया चेहरा आया है अब इस पोस्टर के अंदर जिनका नाम है कुलदीप बिश्नोई जी। ये भव्य बिश्नोई जी के फादर साहब हैं, और इनको कौन नहीं जानता। उसके बराबर वाले आप देख पा रहे हैं विनोद ब्याणा जी है, जहाँ पे कुलदीप बिश्नोई की जगह है, एग्जैक्ट इसी जगह पर कहीं ना कहीं पर हिसार के विधायक कमल गुप्ता जी की फोटो होनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पर ये देख पा रहे हैं मोदी जी के बराबर में मनोहर लाल जी, इसके बराबर के अंदर फोटो होनी चाहिए थी हिसार के विधायक कमल गुप्ता जी की, लेकिन यहाँ से ये फोटो गायब है। कहने का मतलब ये है फूट पड़ चुकी है, और यही फूट कहीं ना कहीं पर हिसार शहर में भी नजर आई है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, एक जब रोड के ऊपर जाते हैं ना, इधर आप देखिए ये जो रोड है, रोड के बीचों बीच डिवाइडर है, ये जो पोल लगे हुए हैं, इन पोल के ऊपर काफी भारी भरकम पोस्टर लगे हुए थे तरुण जैन के, और उसके ऊपर भी कमाल की बात ये है कि विधायक कमल गुप्ता जी की अब्सेंट मिली। अब भगवान जाने उनको इग्नोर किया गया, भगवान जाने वो भूल गए तरुण जैन जी उनका पोस्टर डालना, लेकिन वजह तो है, कुछ ना कुछ खटास तो है, कुछ ना कुछ फूट तो है, या फिर दिलों के अंदर दूरियां जरूर हैं जो आज हिसार शहर ने समझी है। बातचीत जरूर करेंगे तरुण जैन जी से, लेकिन उससे पहले ये कमाल की बात है, और देखिए हद की बात एक और भी निकलती है यहाँ पर। हद की बात ये निकलती है कि महज 2 से 3 दिन तक ही पोस्टर लगते हैं, उसके बाद में तरुण जैन के सारे पोस्टर जो है वो उतरवा दिए जाते हैं, क्योंकि अब उसकी जगह के ऊपर एक और पोस्टर ने जगह ले ली है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथी के मिलन समारोह हिसार शहर के अंदर, अब उनका मिलन समारोह होगा, इसी वजह से इनके पोस्टरों को उतार दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। कहीं ना कहीं पर शायद कमल गुप्ता जी की नाराजगी जाहिर हुई है, शायद उनका फोन गया है कि मेरी फोटो यहाँ पर नहीं लगी, उतारो इनको फटाफट करो। और उसके ऊपर भी एक चीज भारी पड़ गई, कमल गुप्ता जी के ऊपर भी एक चीज भारी पड़ गई, हालांकि पड़नी नहीं चाहिए थी, कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के, बहुत बड़ा पद है, उनके ऊपर भारी पड़ गई। चौधरी बृजेंद्र सिंह के फादर साहब हैं बृजेंद्र सिंह जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की ताकत उनके ऊपर शायद भारी पड़ गई, क्योंकि उनके बेटे MP हैं, केंद्र की राजनीति करते हैं, और हिसार तो महज एक छोटा सा शहर है जिसके ऊपर शायद उनकी ताकत भारी पड़ गई, क्योंकि ये सभी पोस्टर उतार दिए, और अब इनकी जगह के ऊपर पोस्टर जो है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के लगे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है फूट तो कहीं ना कहीं पर ज़रूर है, आज ये दिखी भी है, लेकिन बातचीत जरूर कर लेंगे हम एक बार
तरुण जैन जी से फोन करते हैं और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा है तरुण जैन जी का। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे और एक दफ़ा फ़ोन ज़रूर करते हैं तरुण जी के पास, और अगर आपको भी ज़रूरत पड़े तो आप भी बातचीत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन नंबर है TARUN आ गया। ले जी, फिलहाल फ़ोन कर दिया हमने तरुण जैन जी को। हेलो, हाँ जी दीपेश जी, क्या हाल चाल? बढ़िया तरुण सर, कैसे हैं? सब ठीक है, सब बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देनी थी मैंने। हमारी तरफ से भी नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। चलो वो तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है सर में एंट्री करते वक्त, और यहाँ से पूरे हिसार के अंदर शुरुआत होती थी आपके बैनर लगने की, लेकिन आज एक भी बैनर मेरे को नजर नहीं आया, सभी बैनर उतार लिए गए। उतार लिए गए होंगे सारे बैनर, नया साल चला गया जी। तो क्या कुछ वजह रही सर, कुछ बता पाएंगे? वजह तो कोई मुझे भी नहीं पता, मैं तो पता कर रहा हूँ भाई जी, वजह क्या नहीं होगी, क्यों और भी होल्डिंग लगे हुए और हमें उतार दिए गए, तो वजह पता कर रहे हैं अभी। ओके तरुण जी, एक सवाल था मेरे मन में, अगर आपकी इजाजत है तो पूछ लूं, थोड़े खट्टे मीठे सवाल मैं करता रहता हूं। नाना कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए आप। अच्छा, हिसार शहर के विधायक हैं कमल गुप्ता जी, उनकी फोटो यहां पे मेरे को नजर नहीं आई, क्या वजह रही? बीजेपी में फूट पड़ गई या फिर भूल गए आप? वो ना जी, कोई जिसको मैंने काम दिया था कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया था, उस वजह से रह गया था वो। अच्छा, तो ये डिजाइनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप रह गया या फिर आपके और विधायक कमल गुप्ता जी के बीच में कम्युनिकेशन गैप रह गया? नहीं नहीं, डिजाइनर के और मेरे बीच में रह गया कम्युनिकेशन गैप। तो सर ये तो एक के साथ में रह सकता है, दो के साथ में रह सकता है, बहुत सारे पोस्टर छपे हैं आपके, सब में ही रह गया? वो सब छपते तो एक ही साथ है ना, वो तो डिजाइन जो होता है वो तो एक साथ होता है। ओके चलो, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आइए मेरे कार्यालय में। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर तक आपसे मुलाकात करता हूँ। जी सर, थैंक यू। तो ये थे तरुण जैन जी, जरूर खट्टे मीठी बातचीत इनसे जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं पर सच है और इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। आप तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं, बीरेंद्र सिंह के फादर साहब हैं बीरेंद्र सिंह, उनके पोस्टर लगे हुए हैं पूरे शहर के अंदर और इनके पोस्टरों को उतार दिया गया है, क्योंकि इनके पास में कोई बड़ा पद नहीं है और हिसार शहर के विधायक कमल गुप्ता जी की चौधर जो है वो हरियाणा लेवल तक है शायद, जिसका खामियाजा आज तरुण जैन जी को भुगतना पड़ा है हिसार शहर के अंदर। बाकी देखते हैं, बातचीत करते हैं कि तरुण जैन जी क्या कहते हैं, चलिए चलते हैं। तरुण जैन जी ने नोता दिया और हम इनसे मिलने पहुंच गए, बातचीत कर लेते हैं। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार HR20 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर पूरे शहर के अंदर आपके पोस्टर लगे हुए थे, नववर्ष की शुभकामनाएं दी, मात्र एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर आपकी शुभकामनाएं सारी उतरवा के एक साइड के अंदर रखवा दी, ऐसा क्यों किया, किसने किया? देखिए ये जो मामला हुआ है ये कोई हो सकता है इसमें कोई किसी की एक छोटी मानसिकता रही हो, उतरवा दिए ठीक है, हमने अपने शहरवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देनी थी वो हमने दे दी। नहीं तो उतरवाने की वजह क्या रही सर, क्या लगता है कि उनका, अगर मैं बात करूं, देखिए कमल गुप्ता जी का फोटो उसके ऊपर नहीं लगा हुआ था, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि वो क्या वजह रही? नहीं नहीं, कमल गुप्ता जी का फोटो वो ना किस एक टेक्निकल मिस्टेक रह गई थी जिसकी वजह से उनकी फ़ोटो रह गई, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी हमने होल्डिंग्स लगाए हैं उनकी फ़ोटो रहती है, तो वो कोई कारण मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। ये टेक्निकल मिस्टेक कमल गुप्ता जी के साथ में हुई, भूपेंद्र जी हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है, मेयर गौतम सरदाना जी हैं उनकी लगी हुई है, और इवन कुलदीप बिश्नोई जी की फ़ोटो लगी हुई है सर, ये टेक्निकल मिस्टेक उनके साथ में नहीं हुई, गुप्ता साहब के साथ में हुई, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गैप है। मैं अभी वहाँ पे कह रहा था शायद बीजेपी में छोटे सतर के ऊपर फूट पड़ चुकी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारे विधायक भी हैं हमारे शहर के और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं,
और बहुत मान सम्मान है उनका पार्टी के अंदर, और मैं भी उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो ठीक है, वो एक चीज़ हो गई है, वो लग गए शहर में। उस जिसने ये बनाए, जिसको मैंने काम दिया था, उसने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो वो ठीक है, वो एक गलती हो गई, आगे उसका सुधार करेंगे हम। वो ना एक व्यक्ति गया था गुप्ता साहब के पास में ट्रांसफ़र का ऑर्डर लेके, जी हमारे बच्चे की ट्रांसफ़र हो गई है, इसको रुकवा दीजिए। गुप्ता साहब बोले मेरा मूड ख़राब हो जाता है, ऐसी चीज़ें मत ले गया करो, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी फ़ोटो ना लगी, उनका मूड ख़राब हो गया, वो उतरवा दिए सारे पोस्टर, बोला उतारो ये मेरी फ़ोटो नहीं है तो फिर ज़रूरत क्या है इनकी, सब उतार दो यहाँ से। नहीं नहीं गुप्ता जी की ऐसी मानसिकता नहीं हो सकती। और नहीं मूड का जिक्र करूँ, वो तो मूड की बात है सर, मानसिकता की बात नहीं है, मूड तो किसी टाइम भी चेंज हो सकता है, गुप्ता साहब का मूड खराब हो गया वो। नहीं नहीं दीपेश जी, ऐसा देखिए ये ना एक पॉलिटिकल इशू बन गया है ये, जो मुझे लगता है कि शहर में चौधरी वीरेंद्र उमर खान जी के भी बैनर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, और सबके उतर गए हैं, उन्हीं के लगे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से पॉलिटिकल रंग ले रहा है ये मामला ना, तो इसको पॉलिटिकल रंग ना दीजिए। और ये ठीक है, चीज़ें नगर निगम उतारता है, होल्डिंग्स लगते भी हैं, उतरते भी हैं, ये शहर में चलता रहता है। मैं तो रंग देने वाला कौन होता हूँ, रंग तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, आपका पोस्टर सारे उतर चुके हैं, मात्र एक भी पोस्टर आपका नहीं बचा पूरे शहर के अंदर। और बात रही उनकी डूमर खां जी की, उनके पोस्टर तो देखिए, उनके तो शायद मेरे को नहीं लगता कि कोई व्यक्ति उनके पोस्टरों को हाथ भी लगा दे, उनका बेटा एमपी है, केंद्र की राजनीति करते, वहाँ पे तो गुप्ता साहब की भी पहुँच बंद हो जाती है, आपको पता होगा। नहीं नहीं उनके पोस्टर भी उतर जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी अगर इलीगल तरीके से लगे हुए हैं तो वो पोस्टर भी उतरेंगे। नहीं मैंने ये पूछा कि उनकी पहुँच वहाँ तक जाती है या ख़त्म हो जाती है। नहीं देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो तो उनका बेटा सांसद है हिसार लोकसभा क्षेत्र से, और खुद भी वो सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनकी पहुंच तो नेचुरल है कि बहुत ऊपर तक है। वहाँ पे गुप्ता साहब जी का यानी कि दबदबा नहीं चलता, आपके ऊपर आके चल जाता कि जी ये पोस्टर उतरवाओ मेरी फोटो में, मूड खराब होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें, गुप्ता साहब का मुझे नहीं लगता कोई लेना देना होगा, ये कुछ और चीज़ें चल रही है, वो अब पता चल जाएगी थोड़े दिनों। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आपकी स्माइल बहुत कुछ बता रही है सर, ना बता के। नहीं, नहीं ऐसा, मैं तो स्माइल तो मैं ऐसा कुछ मैं महसूस नहीं कर रहा जिससे मैं दुखी हूँ, इसलिए स्माइल देने खुशनुमा चेहरा ये आप बस बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खुशी रहते हैं और हमारे शहर को भी हम खुशी देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे चार कुर्सियों के चार पाए होते हैं, गुप्ता साहब को लगा हो कि आने वाले वक्त में हो सकता है मेरा एक आधा पाया इधर उधर से तरुण जैन जी सरकार लें और गड़बड़ हो जाए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत सीनियर लीडर है कमल गुप्ता जी, और हम तो एक कार्यकर्ता हैं सिंपल से, हम तो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैंने तो सोचा था सर वो एक डायलॉग बोलते हैं बीजेपी वाले अक्सर कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की जगह उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, मैंने तो सोचा अब कहीं बीजेपी वालों को भी बीजेपी जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ेगी क्योंकि फूट पड़ चुकी है, पोस्टर उतर लिए हैं सारी चीज़ें। नहीं देखिए कहीं ना कहीं पर दिखा तो सही, बिल्कुल नहीं, देखो कांग्रेस तो एक डूबा हुआ जहाज है, डूबता हुआ जहाज भी नहीं कहेंगे उसको, तो वो राहुल गांधी को वाक्य में बात सही है कि उसको अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ तो आप सबकी अपनी अपनी एक कांग्रेस है, राहुल की एक अपनी कांग्रेस है, रणदीप की अपनी एक कांग्रेस है, किरण चौधरी की अपनी कांग्रेस है, हुड्डा जी की अपनी एक कांग्रेस है, वहाँ अलग मामला है, हमारे यहाँ हमारे पार्टी संगठन में सब सिस्टम से चलता है और सब एक साथ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बाकी ये सिस्टम हम देख चुके हैं, सिस्टम के अंदर सिस्टम अस्त व्यस्त हमको ज़रूर नज़र आया, हालांकि ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर वीरेंद्र सिंह जी के पोस्टर लगने थे तो एक साइड आपके लग गए, फिर उनके लग गए, फिर उनके लग गए, फिर आपके लग गए, ऐसे एक सिस्टम के अंदर यानी कि कटमा गिनती के अंदर चलाया जा सकता था, फिर भी नहीं चलाया, तो कहीं ना कहीं पर मैं समझ पा रहा हूँ आपके साथ में शायद नगर निगम का भी, वीरेंद्र जी का भी और कमल गुप्ता जी का भी कुछ प्रेम प्यार आपके साथ में ज़्यादा है शायद। एक बात और भी मैं आपको बता देता हूँ, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना उसके साथ में ऐसा अक्सर होता है, शायद अब आप आगे बढ़ रही हैं। चलिए आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जिसका प्यार हमारे साथ है वो भी बना रहे, हम तो ये चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे तरुण जैन जी, कहीं ना कहीं पर मामले में गड़बड़ तो ज़रूर नज़र आ रही है, बाकी आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, कहीं ना कहीं पर गड़बड़ ज़रूर है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद लहंगा शेरवानी व पार्टी वियर ड्रेस किराए पर मिलती हैं, SCF 113 फर्स्ट फ्लोर राजगुरु मार्केट हिसार, बुक करने के लिए अभी संपर्क करें